क्रांत छाई, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट, ठीक है। तो लाइट के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको लाइट के बारे में, ठीक है, कि लाइट क्या होता है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक। फिर उसके बाद से हम लोगों ने इमेजेस के बारे में बात की थी, रियल इमेजेस क्या होते हैं, वर्चुअल इमेजेस क्या होता है, ठीक है। फिर इमेजेस फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर देखा था, कॉन्वेक्स मिरर देखा था, कनकेव मिरर देखा था, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में भी बात किए थे हम लोग। फिर उसके बाद से हम लोगों ने बात की थी किसके लेंसेज के बारे में, ठीक। फिर इमेजेस का फॉर्मेशन देखा था, कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ओवरऑल ये लगभग ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। बस एक टॉपिक इस चैप्टर में रह गया था जो कि आपको आज पढ़ाना है, वाइट लाइट कंजिस्ट ऑफ 7 कलर। आज का टॉपिक क्या है? वाइट लाइट कंजिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो ये टॉपिक रह गया था, ये आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, क्या वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसी का आंसर आज हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले चलिए बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट का कलर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि सर वाइट कलर की लाइट होती है, ब्लू कलर की लाइट होती है, ग्रीन कलर की लाइट होती है, किस कलर की होती है, अगर सनलाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो सनलाइट की अगर बात करें तो बेसिकली जो दिमाग पे आइडिया आता है कि लाइट का कोई कलर नहीं होता सर, लाइट किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, तो लाइट का कोई कलर नहीं होता है, ठीक। बट एक्चुअली में जो लाइट होती है, ठीक है, वो 7 कलर से मिलके ही बनी होती है। 7 डिफरेंट कलर्स को जब आप मिलाते हैं तब जाके वाइट लाइट बनती है। यानी जो ये सन रेज आप देखते हैं, ठीक है, ये जो वाइट कलर की सन रेज जो आपको दिखाई देती है, ये किसकी बनी होती है? 7 डिफरेंट कलर्स की बनी होती है, ठीक है। और कई बार ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस भी करते हैं, ठीक है, जब बारिश का मौसम आता है, ठीक है, और बारिश के मौसम के बाद से सुबह या शाम में जब आप देखते हैं थोड़ी सी धूप निकलती है, तो उसमें आपको एक रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो कुछ नहीं होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट ही होती है, ठीक है। ये जो आपकी वाइट लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या करती है, टूट जाती है, तब जाके आपको वो दिखता है कि जो वाइट लाइट होती है वो किसकी बनी थी, 7 डिफरेंट कलर्स की बनी होती है, ठीक। तो वाइट लाइट एक्चुअली में किसकी बनी हुई है, 7 डिफरेंट कलर्स की बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, जो डिफरेंट 7 जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, वाइट लाइट से उनको ब्रेक करना, उनको स्प्लिट करना, उसको कहते क्या है, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 डिफरेंट कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स 7 डिफरेंट कलर्स। तो इसके 7 डिफरेंट कलर्स में तोड़ने के, ठीक है, प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, द फेनोमेनन The phenomenon of splitting of white light into several different component color is called dispersion of light। तो dispersion of light क्या होता है, ठीक है, इसकी definition है the phenomenon of splitting of white light into several different component color is called dispersion of light। यानी white light को हम लोग क्या करते हैं, जब उसके different colors में क्या करते हैं, split कर देते हैं, इसी process को हम लोग क्या कहते हैं, dispersion of लाइट। इसका अच्छा सा एग्जांपल है क्या, रेनबो, ठीक। तो रेनबो जब होता है, ठीक है, तो रेनबो कैसा होता है, आर्क शेप में होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप होता है, और इसमें आपको क्या दिखाई देता है, 7 डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये कुछ नहीं होता है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही होता है, ठीक है। और रेनबो इज अ आर्क शेप, इफ यू ऑब्जर्व यू केयरफुली यू विल फाइंड दैट देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो विच ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, जो एक के बाद एक क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रेजुअली एक के बाद एक क्या करते हैं, अपने कलर्स को चेंज करते हैं जब भी आप रेनबो देखते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ कलर्स फॉर्म्ड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट।
तो जब किसी भी वाइट लाइट को आप क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं उसके सेवन डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, सेवन डिफरेंट कलर्स में, तो ये जो पैटर्न बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम, SPECTRUM, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। तो जो सेट ऑफ कलर्स फॉर्मेशन होता है जो रेनबो का, जो सेवन डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब ये कलर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो उसको याद करने का बहुत एक आसान सा तरीका है, ठीक है, एक वर्ड है, ठीक है, दे आर सीन इन द ऑर्डर विबग्योर, VIBGYOR, तो ये इस फॉर्मेशन में, ठीक है, दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो इसका आप नेम लिख सकते हैं, V is equal to violet, I is equal to indigo, B is equal to blue, G is equal to green, Y is equal to yellow, O is equal to orange एंड R इज इक्वल टू रेड। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट होती है, ठीक है, ये विबग्योर का फॉर्मेशन करते हैं। विबग्योर क्या है, सेवन डिफरेंट कलर्स है, ठीक है, जिनका नाम लिखा हुआ है, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड रेड। तो यही सेवन डिफरेंट कलर्स है, ठीक है, जो वाइट लाइट जो होती है, ठीक है, जब आपकी क्या करती है, स्प्लिट होती है सेवन डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। और जो प्रोसेस जिससे ये स्प्लिट होता है, वाइट कलर का लाइट जो होता है इसके सेवन डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो ये डिस्पर्जन होता है वाइट लाइट का, ठीक है, जो आप रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं जो आर्क शेप्ड का होता है, ठीक है, तो ये सेवन डिफरेंट कलर से मिलके बना होता है, जो कि हमारा क्या होता है, विबग्योर, ठीक। तो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं कि इन सेवन डिफरेंट कलर से मिलके जो वाइट कलर की लाइट जो होती है वो बनी होती है, ठीक है। तो रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, होता है क्या है कि बारिश के बाद, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदे होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, तो इन्हीं से जब वाइट लाइट जो होता है पास करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्कैटर करता है, मींस क्या करता है, वो चारों तरफ फैलता है, ठीक, जिसके वजह से क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। जो आपकी वाइट लाइट होती है वो अपने सेवन डिफरेंट कलर्स में क्या करती है, ब्रेक कर जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप बोलेंगे रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट की वजह से होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, यानी वाइट लाइट के डिस्पर्जन की वजह से रेनबो का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो वाइट लाइट होती है, ठीक है, ये किस कितने डिफरेंट कलर्स की कंजिस्ट होती है, तो सेवन, यानी सेवन डिफरेंट कलर्स से मिलके हमारा जो वाइट लाइट है वो बना हुआ है, ठीक है। और ये सेवन डिफरेंट कलर कौन कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये आपका था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये कौन सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो व्हाइट कलर की लाइट जो सेवन डिफरेंट कलर्स में टूटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। ये जो रेनबो आप देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आपकी बुक में ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट क्या है। हम लोग क्या पढ़ने वाले, न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट, चलिए। तो न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट है क्या, ठीक है, तो न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट है, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने सोचा कि अगर वाइट लाइट जो है, ठीक है, उसको जब हम लोग स्प्लिट करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, तो वो सेवन डिफरेंट कलर्स में क्या करती है, ब्रेक करती है। इसका मतलब अगर उन सेवन डिफरेंट कलर्स को मिलाए हम लोग तब भी वाइट कलर बनना चाहिए। तो न्यूटन ने अपने एक डिस्क एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को शो किया कि जब हम लोग सेवन डिफरेंट कलर्स को मिक्स करते हैं एक साथ, तो जो कलर का फॉर्मेशन होता है वो किस कलर का फॉर्मेशन होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो न्यूटन के डिस्क एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ें प्रूफ हो गई कि जो वाइट
लाइट होता है वो कितने कलर से बना होता है? 7 डिफरेंट कलर से बना होता है, ठीक। सिंस व्हाइट लाइट इज स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, वी शुड बी एबल टू गेट व्हाइट लाइट बाय मिक्सिंग द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो न्यूटन ने बोला सिंस व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 different colors, सेवन कलर्स में करता है, ठीक है। जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। We should be able to get white light by mixing the seven colors of rainbow। तो न्यूटन ने कहा कि अगर व्हाइट लाइट, ठीक है, स्प्लिट करती है 7 डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, और रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो उसी तरीके से हम अगर 7 डिफरेंट कलर्स, रेनबो के जो 7 डिफरेंट कलर्स है उनको अगर हम मिक्स करें तो भी हमको क्या मिलना चाहिए? व्हाइट कलर की लाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जो फेमस इंग्लिश फिजिस्ट थे आपके सर आइज़ैक न्यूटन, ठीक है, उन्होंने ही क्या किया, ये मिक्सिंग के फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या, एक डिस्क लिया, ठीक, और इसको क्या किया, 7 डिफरेंट कलर से क्या किया, इसको कलर कर दिया, ठीक। 7 डिफरेंट कलर से इसको क्या किया, कलर कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इन 7 एक डिस्क को लिया, ठीक है, और इन डिस्क पे क्या किया, पेपर को कलर करके, ठीक है, पेपर को कलर करके या डिस्क को कलर करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें अलग अलग जो आपके कलर्स थे VIBGYOR, ठीक। तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स थे, ठीक है, इस डिस्क को क्या किया, कलर किया, और फिर इस डिस्क को एक थ्रेड की हेल्प से क्या किया, रोटेट किया, ठीक है, बहुत तेज क्या किया, इसको रोटेट किया। तो रोटेट करने पे उन्होंने देखा कि जब डिस्क क्या करता है, बहुत तेज़ी से घूमता है, तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स थे वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद से वो कौन सा कलर शो करते हैं, वाइट लाइट, कौन सा शो करते हैं कलर, वाइट लाइट, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से क्या हुआ है, बना है, ठीक है। तो न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग को क्या करना है, ठीक है, मेक अ न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट बाई डिवाइडिंग सर्कुलर पीसेज ऑफ पेपर इन वन और मोर ग्रुप्स ऑफ 7 सेक्शंस ईच एंड फिलिंग देम विद 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन द ऑर्डर ऑफ विबक्योर। तो आपको एक डिस्क पे क्या करना है, एक सिंगल पेपर को भी आप पेस्ट कर सकते हैं 7 डिफरेंट कलर से पेस्ट कर कलर करके, ठीक है, या अलग अलग 7 डिफरेंट कलर्स को कलर करके पेपर को उस पर ला के आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, ठीक है। यू विल सी दैट ऑल कलर डिसअपीयर एंड ओनली वाइट कलर इज विजिबल। सच डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क, और इसी डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स डिस्क, ठीक। तो आपको क्या करना है, एक डिस्क लेना है, ठीक है, जो भी सीडी डीवीडी आपके घर पे पुरानी पड़ी हो, ठीक है, उस पर आपको 7 डिफरेंट कलर से उसको क्या करना है, कलर करना है, या आप एक सिंगल पीस ऑफ पेपर को लेके उस पर 7 डिफरेंट कलर्स करके पेस्ट कर सकते हैं डिस्क पे, या फिर अलग अलग पीसेज में आप पेपर को कलर कर लीजिए विबग्योर के ऑर्डर में, ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर है, ठीक है, उस तरीके से, और एक डिस्क पे पेस्ट कर दीजिए, और फिर उस डिस्क को आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो जब आप उस डिस्क को रोटेट करते हैं तो जो सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में आपको दिखाई देंगे कि वो मिक्स होके डिसअपियर हो जाते हैं, और डिसअपियर होके वो कौन से कलर का फॉर्मेशन करते हैं, वाइट कलर के। इसी डिस्क को नाम दे दिया गया न्यूटन्स डिस्क, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने बोला न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या सीखा, न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने सीखा कि जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, ठीक है, वो 7 डिफरेंट कलर्स की बनी होती है, ठीक है, ये एक तरह का प्रूफ था कि जो व्हाइट कलर की लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर्स से बनी है, ठीक। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, और अगली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।